थर्ड डे है, हम लोग जो थर्ड यूनिट है हमारी सेकंड पेपर की योग उपनिषद, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग आपका जवाब है आप चैट बॉक्स में दे दीजिएगा ABCD की फॉर्म में। आप लोग को मैं क्वेश्चंस स्क्रीन पर शेयर करूंगी और कोशिश करिए कि आप अपना आंसर जल्दी से जल्दी दो, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम लिमिट भी होती है, तो आपको अपना डिसीजन जल्दी लेने की प्रैक्टिस करनी है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग को आंसर देना है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग बताना मुझे अगर शेयर होती है तो। स्क्रीन शेयर हो पा रही है क्या? नहीं 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 मैम, नहीं मैम, आपको बताना मुझे अगर शेयर। ओके फिर से ट्राई करती हूँ। अभी अभी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? आ रही है मैम, आ रही है शेयर। हाँ मैम आ रही। ओके ठीक है, तो आप लोग को आंसर जल्दी जल्दी जितने फास्ट हो सके उतने जल्दी देना है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस श्वेता स्वतर उपनिषद के हैं। अभी करीब 25 से 30 क्वेश्चन है श्वेता स्वतर उपनिषद के, आप जल्दी जल्दी दीजिएगा आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि श्वेता स्वतर उपनिषद के अनुसार परम देव परमात्मा के साक्षात्कार का श्रेष्ठ उपाय क्या है? ऑप्शन ए है मुद्राबंध, ऑप्शन बी है धारणा, ऑप्शन सी है प्राणायाम, ऑप्शन डी है ध्यान। चैट बॉक्स में लिखिए। ओके ठीक है, आप लोग आंसर दीजिए। मुझे आंसर नहीं दिख पाएंगे क्या स्क्रीन शेयर किए तो? एक्चुअली मैं बाहर थी तो लैपटॉप लेकर नहीं आई हूँ, मोबाइल ही है अभी। मुझे बार बार बैक करना होगा, मतलब मीटिंग पे आना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, बट हाँ ठीक है मैं ऐसे कर लूंगी। आप ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंसर डी दिया है, ध्यान बिल्कुल सही आंसर है डी। अब दूसरा क्वेश्चन है, श्वेता स्वतर उपनिषद के अनुसार ध्यान से पूर्व सर्वाधिक आवश्यक क्या है? पहला ऑप्शन है प्रत्याहार, दूसरा है मिताहार, तीसरा है सुखासन, चौथा है शाखाहार। आप लोग को जवाब देना है। सी ए सी बहुत सारे लोगों के आंसर सी आ रहे हैं, लेकिन हमें श्वेता स्वतर उपनिषद के अनुसार बताना है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि ध्यान से पूर्व सबसे पहले क्या आवश्यक है, तो इसका आंसर है प्रत्याहार। प्रत्याहार पहले जरूरी है, ठीक है, मिताहार से पूर्व भी प्रत्याहार का उन्होंने कहा है। थर्ड क्वेश्चन है, श्वेता स्वतर उपनिषद के अनुसार ध्यान प्रारंभ करने से पूर्व परमेश्वर की प्रार्थना करने हेतु करना चाहिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन है पंच मंत्रों से प्रार्थना, दूसरा ऑप्शन है प्राणायाम, तीसरा है आसन और चौथा है गणेश पूजन। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, श्वेता स्वतर उपनिषद के अनुसार ध्यान शुरू करने से पहले जो परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं उसमें हमें क्या करना है, प्रार्थना के लिए क्या करते हैं? ठीक है, बहुत सारे लोगों के आंसर बी ए आ रहे हैं। इसका सही आंसर है पांच मंत्रों से प्रार्थना। क्या
मैं आप लोग के आंसर नहीं देखूं, सीधे डायरेक्ट आंसर बता दूं क्या अपनी तरफ से, कुछ देर आपको टाइम देने के बाद? ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आप लोग के लिए श्वेता सूत्र उपनिषद से ही। श्वेता सूत्र उपनिषद के अनुसार ध्यान का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है धारणा, दूसरा ऑप्शन है परमात्मा का साक्षात्कार, तीसरा ऑप्शन है समाधि और चौथा ऑप्शन है ज्ञान। अपना आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। ठीक है, चौथे क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी कि समाधि। श्वेता सूत्र उपनिषद के अनुसार ध्यान का उद्देश्य है समाधि। ठीक, पांचवा क्वेश्चन, श्वेता सूत्र उपनिषद के अनुसार परमात्मा प्रकाशित करते हैं किसे? पहला मन को, दूसरा बुद्धि को, तीसरा इंद्रियों को, चौथा सभी को। आंसर लिखिए ए बी सी या डी। ठीक है, इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि परमात्मा सभी को प्रकाशित करते हैं, हमारी मन बुद्धि और इंद्रिय तीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेता सूत्र उपनिषद के अनुसार ध्यान में सबसे बड़ा विघ्न क्या है? पहला ऑप्शन है निद्रा, दूसरा ऑप्शन है अकर्मण्यता, तीसरा ऑप्शन है आलस्य और चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ये जो सारी चीजें हैं, निद्रा, आलस्य और अकर्मण्यता, सभी ही बाधाएं हैं ध्यान में। अगला क्वेश्चन, श्वेता सूत्र उपनिषद के अनुसार परब्रह्म परमेश्वर प्राप्ति का अधिकारी कौन होता है? पहला श्रेष्ठ बुद्धि वाले, दूसरा अग्निहोत्र वाले, तीसरा ब्राह्मण, चौथा सभी। आंसर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर है उपयुक्त सभी, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेता सूत्र उपनिषद के अनुसार परम देव परमेश्वर का गुण क्या है? पहला महान, दूसरा सर्वज्ञ, तीसरा सर्वव्यापी, चौथा उपयुक्त सभी। आंसर टाइप करिए। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। थोड़ा फास्ट आप लोग करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक उपनिषद से 30-30 क्वेश्चन अप्रोक्स यहाँ पर है। तो नाइन्थ क्वेश्चन है आप लोग के लिए, श्वेता सूत्र उपनिषद के अनुसार ध्यान में स्थिरता का साधन है? पहला ओमकार जप, दूसरा परमात्म चिंतन, तीसरा परमात्म चिंतन, दूसरा है प्राणवायु निरोध और चौथा है उपयुक्त सभी। आंसर लिखिए। इसका ऑप्शन है, ध्यान में स्थिरता का साधन है उपयुक्त सभी, यानी ओमकार जप भी, परमात्म चिंतन भी, प्राणवायु निरोध भी, तीनों ही इसके ऑप्शन है। तो आप लोग आंसर टिक करोगे उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, श्वेता सूत्र उपनिषद के अनुसार मनुष्य का मन सर्वथा शुद्ध होता है किससे? पहला, यहाँ पर क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए आप, मन सर्वथा शुद्ध होता है कहा है ना? तो पहला सत्कर्म, दूसरा प्रत्याहार से, तीसरा ध्यान से, चौथा समाधि से। तो बताइए मन किससे शुद्ध होता है? इसका आंसर है ध्यान से। ठीक है, 10th का आंसर है सी, ध्यान से मन शुद्ध होता है। 11वां, श्वेता सूत्र उपनिषद के अनुसार मन एवं बुद्धि का स्वामी है। ठीक है, मन और बुद्धि का स्वामी कौन है यहाँ पर पूछा है? पहला ऑप्शन है ब्रह्म, दूसरा है आत्मा, तीसरा है पुरुष और चौथा है जीव। इसका ऑप्शन सोचिए। इसका ऑप्शन आंसर है ए, यानी कि ब्रह्म, मन और बुद्धि का स्वामी ब्रह्म को कहा गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, श्वेता सूत्र उपनिषद के अनुसार परमात्मा के प्रति निम्न भाव आवश्यक है। यदि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो कौन कौन से भाव हमारे अंदर होने चाहिए? ऑप्शन ए स्तुति, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी शरणागति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सिंपल सा है, आप लोग इसको सब लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी, स्तुति, सेवा और शरणागति, तीनों ही भाव हमारे अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेता सूत्र उपनिषद के अनुसार ध्यान योग हेतु बुद्धिमान मनुष्य को ऊंचा रखना चाहिए।
जब हम ध्यान करते हैं, हमने इसको पढ़ा भी था कि ध्यान करते समय हमें क्या क्या करना है, कौन सी चीजें सीधी रखनी है, सिर, गला या छाती, या तीनों। तो इसका आंसर आप लोग लिखिए। इसका आंसर है डी, यानी कि सिर, गला और छाती तीनों को हमें ध्यान करते समय सीधा रखना है, एक सीध में रखना है। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि हम सिर, गला और वक्ष को ऊंचा ना रखें तो क्या विघ्न होंगे, कौन कौन सी बाधाएं आएगी, ये आपको बताना है। तो पहली बाधा है आलस्य, दूसरी बाधा है विक्षेप, तीसरी बाधा है निद्रा। सॉरी, मैंने बी और सी उल्टा बोल दिया। बी है निद्रा, सी है विक्षेप और डी है उपयुक्त सभी। तो यदि हम, इसका आंसर है डी, यानी हम सिर गला और वक्ष को यदि सीधा ना रखेंगे, ऊंचा नहीं रखेंगे, तो ये सारी बाधाएं ध्यान में आएगी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेता सोतर उपनिषद में ध्यान योग हेतु नौका की तुलना किससे की गई है, नौका किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन है ओमकार, दूसरा ऑप्शन है विष्णु, तीसरा है राम और चौथा है शिव। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। और इसका आंसर है ए, यानी कि ओमकार, ध्यान योग की तुलना, सॉरी ओमकार की तुलना नाव से की गई है। अगला क्वेश्चन, श्वेता सोतर उपनिषद के अनुसार समस्त इंद्रियों को हृदय में निरुद्ध किया गया है, आंसर पहले लिख दिया क्या, ठीक है। श्वेता सोतर उपनिषद के अनुसार समस्त इंद्रियों को हृदय में निरुद्ध किया जाता है, किसके द्वारा, कौन हमारी समस्त इंद्रियों को हृदय में निरुद्ध करता है। पहला है मस्तिष्क करता है, दूसरा बुद्धि करती है, तीसरा मन करता है, चौथा विकल्प करता है, ठीक। इसका आंसर है बुद्धि करती है, हमारी समस्त इंद्रियों को हृदय में निरुद्ध बुद्धि करती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेता सोतर उपनिषद के अनुसार ध्यान योग के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है, पहला आहार, दूसरा विहार और तीसरा प्राणायाम, चौथा उपयुक्त सभी, आप लोग को बताना। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसको बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाता है कि क्या आवश्यक है, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, आहार विहार और प्राणायाम तीनों आवश्यक है ध्यान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान योग के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, तो स्थान के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसा स्थान होना चाहिए, 18th और 19th दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, इसमें स्थान के बारे में दिया हुआ है, तो दोनों का जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी, यानी कि ध्यान के लिए स्थान बालू रहित होना चाहिए, अग्नि रहित होना चाहिए, कंकड़ रहित होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए और समतल होना चाहिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को मिला के उन्होंने आंसर बनाया है यहाँ पे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेता सोतर उपनिषद के अनुसार ध्यान योग के लिए चयनित स्थान नहीं होना चाहिए। बहुत बार हम ये जो नहीं वाला वर्ड है इसको पढ़ना छोड़ देते हैं, मतलब जल्दी जल्दी में हम नहीं भूल के गलत टिक कर देते हैं। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर बोला है कि कौन सा स्थान नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है जलयुक्त स्थान, ऑप्शन बी कोलाहल युक्त स्थान, ऑप्शन सी एकांत युक्त स्थान, ऑप्शन डी प्राकृतिक स्थान। तो इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि कोलाहल युक्त स्थान नहीं होना चाहिए, बाकी स्थान होने चाहिए, ठीक है। तो 20 का आंसर है बी, कोलाहल युक्त नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ध्यान योग के लिए स्थान को किस तरीके से अनुकूल होना चाहिए, क्या क्या वहां पर उपस्थित होने चाहिए। तो शब्द वहां पर होने चाहिए, आश्रय होना चाहिए, जल होना चाहिए। तो इसका आंसर है डी, ठीक है, ध्यान योग के लिए अनुकूल स्थान में 20 और 21 एक सा ही बना हुआ है ना, स्थान को लेकर ही बनाया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान योग को आरंभ करने पर साधक को कौन कौन सी चीजें दिखाई देती है। हमने इसको जब पढ़ा था तो ध्यान योग की सिद्धि के रूप में पढ़ा था कि जब हम ध्यान योग करते हैं तो कौन कौन सी सिद्धियां हमें मिलने लगती है, प्रारंभ में क्या क्या दिखाई देने लगता है। ये दोनों क्वेश्चन 22 और 23 एक जैसे है। 22 में भी साधक को कौन कौन सी चीजें दिखाई देती है पूछा है, और 23 में भी। तो ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन है कोहरा, दूसरा ऑप्शन है धुआं, तीसरा ऑप्शन है सूर्य के समान प्रकाश, 23 का फर्स्ट ऑप्शन है जुगनू जैसे टिमटिमाहट, सेकंड ऑप्शन है कड़कती बिजली से चकाचौंध, ऑप्शन सी है स्फटिक मनीषा उज्जवल रूप। तो ये जो छह जो ऑप्शन है ये हमें ध्यान योग करते समय दिखाई देते हैं। तो दोनों का आंसर होगा उपयुक्त सभी,
आपको यहाँ पर एक और बात ध्यान देनी है, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब तो आप उपयुक्त सभी लगा दोगे, लेकिन अभी लेवल थोड़ा इंक्रीज हो गया है तो आपको इनका सिक्वेंस से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रारंभ में क्या दिखता है, सेकंड नंबर पर क्या दिखता है, थर्ड नंबर पर क्या दिखता है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, ऑप्शन तो याद रहेंगे लेकिन उनका सिक्वेंस भी आपको याद रखना है। एक बार सिक्वेंस बता दो। सिक्वेंस के लिए आप बुक देख लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी मैं सिक्वेंस बताऊंगी, बहुत सारे हैं ना वो, तो अभी सिक्वेंस बताऊंगी तो आगे के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, तो आप बुक से नोट कर लीजिए या जो मैंने पिछली क्लासेस पढ़ाई थी उसमें पीपीटी देख लीजिए। एक बार नंबर से बोल ही दीजिए, 1 2 3 4 5 6 कौन सा है? इसमें आधे है नहीं, बुक में लेकर बैठी नहीं हूँ, हो सकता है एक दो मिस हो जाए मुझसे, है ना, तो आप लोग बुक को ही प्रिफर करिए, मुझसे एक दो मिस हो सकते हैं अभी क्योंकि मैं बुक नहीं लेकर बैठी हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मैं बुक लेके बैठी हूँ, बोलूँ क्या? आप लोग आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, सब लोग देख लेंगे। ओके ओके, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान योग द्वारा भूत विजय का लाभ है। श्वेता सूत्र उपनिषद के अनुसार जब हम ध्यान योग करते हैं तो भूत विजय का क्या लाभ है? पहला, शरीर में हल्कापन, दूसरा आरोग्य, तीसरा अनाशक्ति और चौथा उपयुक्त सभी। ठीक, इसका आंसर सोचिए एंड इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म तत्व से मल दूर होने का फल है। ऑप्शन ए कैवल्य, ऑप्शन बी कृतार्थता, सॉरी ऑप्शन बी दुख निवृत्ति, ऑप्शन सी कृतार्थता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग का डिसीजन हो जाना चाहिए कि आंसर क्या सही है, क्योंकि आपको थोड़ा फास्ट डिसीजन मेकिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमात्मा के साक्षात्कार में सहयोगी कौन कौन है? मन, बुद्धि, इंद्री या कोई नहीं? यहाँ पे उपयुक्त सभी होने चाहिए, वैसे आंसर गलत हो गया है, इन्होंने कोई नहीं लिख दिया है, क्योंकि सभी सहयोगी है, मिसटाइप हुआ है यहाँ पे। इसका आंसर है सभी, परमात्मा के साक्षात्कार में सभी सहयोगी है, मन, बुद्धि और इंद्रिया सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमात्मा के वही क्वेश्चन पूछ लिया है, 28th में वही पूछा गया है भाई। 29th क्वेश्चन है, श्वेता सूत्र उपनिषद के अनुसार ध्यान योग से साधक निम्न पर विजय प्राप्त कर लेता है। कौन कौन सी चीजों पर ध्यान से विजय प्राप्त होती है? पहला है रोग, दूसरा है जरा, तीसरा है मृत्यु और चौथा है उपयुक्त सभी। बहुत सरल आंसर है, आप लोग पता कर सकते हैं, आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेता सूत्र उपनिषद के अनुसार जगत का कारण किसे कहा गया है? जगत किसके कारण उत्पन्न हुआ है? पहला पदार्थों के स्वभाव के कारण, दूसरा परमेश्वर की महिमा के कारण, दूसरा काल के कारण, तीसरा परमेश्वर की महिमा के कारण और चौथा भौतिक पदार्थों के कारण। परमेश्वर की महिमा। हाँ, सही जवाब है, परमेश्वर की महिमा के कारण। यहाँ तक जो हमने 30 क्वेश्चन अभी और है श्वेता सूत्र उपनिषद के, श्वेता सूत्र उपनिषद स्किप कर दूं क्या, आगे के उपनिषद बताऊं? क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अराउंड 60 क्वेश्चंस हैं। यस मैम, आगे की बता दीजिए। व्हाट्सएप में शेयर कर दो। इसमें आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, इसकी मैं दे दी है 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन और करा दीजिए श्वेता सर का ही। नहीं मैम, आगे आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, बीच बीच से एक दो रैंडम ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रही हूँ, 50 नंबर का, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। श्वेता सूत्र उपनिषद के अनुसार परमात्मा के समक्ष अपना प्रकाश कौन फैला सकता है? पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है तारामंडल और चौथा है कोई नहीं। आंसर लिखिए, परमात्मा के समक्ष कौन फैला सकता है? तो इसका आंसर है कोई नहीं, परमात्मा ही सबको प्रकाशित करता है। श्वेता सूत्र उपनिषद के अनुसार क्वेश्चन नंबर, श्वेता सूत्र उपनिषद के अनुसार श्वेता सूत्र कौन है? पहला एक ऋषि है, दूसरा एक जंगल का नाम है श्वेता सूत्र, तीसरा एक राज्य का नाम है, चौथा एक उपवन का नाम है।
तो श्वेता सुतर जो है इसका आंसर है ए, यानी कि श्वेता सुतर एक ऋषि थे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 60 नंबर का। श्वेता सुतर उपनिषद का संबंध किस वेद से है? पहला ऋग्वेद से, दूसरा सामवेद से, तीसरा कृष्ण यजुर्वेद से, चौथा अथर्ववेद से। कृष्ण यजुर्वेद। तो आपको सारे, हाँ श्वेता सुतर का कृष्ण यजुर्वेद से था। एक बार फिर से चेक करिए, कृष्ण यजुर्वेद से नहीं है शायद, मुझे सामवेद से। कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद से। ओके, सॉरी, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद सी 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 है, कृष्ण यजुर्वेद, बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसका नाम है योग कुंडलिनी उपनिषद से क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है योग कुंडलिनी उपनिषद का, कि योग कुंडलिनी उपनिषद में कौन कौन सी चीजों का वर्णन है? पहला कुंभक का, दूसरा बंध का, तीसरा ब्रह्म प्राप्ति के उपाय का, और चौथा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी आपको साफ समझ आ रहा होगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सारे योग कुंडलिनी उपनिषद के 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर अगले स्तर चले जाएंगे। ठीक है, योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार कुंभक किया जाता है, कौन कौन से कुंभक है? डायरेक्टली ये पूछना चाह रहे हैं कि कुंभक कौन कौन से है, सहित कुंभक, केवल कुंभक, दोनों या सगर्भ। आंसर बताइए, कौन से कुंभक कुंडलिनी उपनिषद चार? हाँ, उपयुक्त दोनों, यानी कि सहित और केवल प्रकार के वहां पर कुंभक बताए हैं, सगर्भ नहीं है, मतलब डायरेक्ट नहीं है, वो सहित के अंदर जाके होगा, है ना। तो आपको आंसर टिक करना है सी, यानी कि उपयुक्त सभी। योग कुंडलिनी उपनिषद में कितने प्रकार के कुंभक कहे गए हैं? 4, 6, 8 या 10? 4। इसका आंसर है ए, यानी कि 4। ठीक, अगला क्वेश्चन, कि कौन कौन से कुंभक का वहां पर वर्णन किया गया है? ऑप्शन है ए सूर्यभेद, ऑप्शन बी उज्जायी, ऑप्शन सी शीतली एवं भ्रस्तिका, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। उपयुक्त लोगों को समझ आ गया होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार सूर्यभेदी कुंभक हेतु अनुकूल स्थान निम्न से रहित होना चाहिए, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो जहां पर हम सूर्यभेद करें वहां पर वो ना हो? तो ऑप्शन ए है शीत, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी जल, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो डी, इसका आंसर है डी, सभी से रहित होना चाहिए, शीत, जल और अग्नि तीनों वहां पर नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला, कि कुंभक हेतु सबसे उपयुक्त आसन कौन सा है? पहला पद्मासन, दूसरा सुखासन, दूसरा वज्रासन, तीसरा सुखासन, चौथा गुप्तासन। प्राणायाम के लिए यानी कुंभक के लिए सबसे उपयुक्त आसन है पद्मासन, योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग कुंडलिनी उपनिषद प्राणायाम हेतु कौन सा स्थान अच्छा बताया है? तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, श्वेता सुतर उपनिषद में सेम क्वेश्चन हमने किया है, तो 69 का आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, कि सूर्य भेदन जब कुंभक किया जाता है तो किस नासिका से पूरक किया जाता है? दाहिनी नासिका से, बाई नासिका से, रैंडमली किसी से भी, या दोनों से? दाहिनी से। हाँ, आंसर है ए, यानी कि दाहिनी नासिका से। नेक्स्ट यही है कि रेचक किस नासिका से किया जाता है, तो क्लियर समझ में आ रहा है कि रेचक बाई नासिका से किया जाएगा, यानी ऑप्शन है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, सूर्य भेदन कुंभक का अभ्यास जब हम करते हैं तो उससे क्या लाभ हमें मिलता है, किन चीजों का निवारण होता है? पहला क्वेश्चन है वायुजनित रोग, सॉरी क्वेश्चन नहीं ऑप्शन है, वायुजनित रोगों का निवारण होता है। सी में, हाँ ऑप्शन है सी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त दोनों का, वायुजनित रोगों का भी और उदर कृमि का भी, पित्त रोग का निवारण यहाँ पर नहीं बताया है सूर्य भेदन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जायी प्राणायाम में कौन सी नासिका से पूरक किया जाता है?
ऑप्शन ए है दाहिनी, ऑप्शन बी है बाई, ऑप्शन सी दोनों से, ऑप्शन डी किसी से नहीं। उज्जाई में पूरक किससे किया जाता है? इसका आंसर है दोनों से किया जाता है, यानी आंसर है सी। आपको इसमें क्वेश्चंस के टाइप समझ में आ रहे होंगे ना थोड़े थोड़े, कि किस नासिका से वाले क्वेश्चंस बनते हैं, लाभ वाले क्वेश्चंस बनते हैं, कुंभक से, ठीक है? थोड़े बीच बीच से रैंडम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्योंकि सारे करेंगे तो टाइम नहीं बच पाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, शीतली कुंभक में क्वेश्चन नंबर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है कि शीतली कुंभक में पूरक किया जाता है, किस नासिका से पूरक किया जाता है? जीभ मोड़कर किया जाता है, दाहिनी नासिका से किया जाता है, बाई नासिका से किया जाता है, या कोई नहीं? 77 का कुंभ पूरक किया जाता है जीभ मोड़कर, जीभ तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास निम्न आसन में करना चाहिए, भस्त्रिका के लिए कौन सा आसन बताया है? यहाँ पर आप आंसर ऑप्शन देखिए, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, गुप्तासन। पद्मासन इसका आंसर है ए, पद्मासन। क्वेश्चन नंबर 82, योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार कुंभक कब करना चाहिए, मतलब कितने बार करना चाहिए? सॉरी, पहला है पहले दिन 4 बार, दूसरा ऑप्शन है दूसरे दिन 10 बार, तीसरा ऑप्शन है तीसरे दिन 20 बार, एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। हर दिन 5-5 बार बढ़ाने का कहा है यहाँ पर, पहले दिन 5 बार, दूसरे दिन 10 बार, इस तरीके से है, तो इसका कुछ मिसटाइप हुआ है शायद, इसमें 4 बार शुरू करा है ना, 5 बार होना चाहिए पहले दिन, दूसरे बार होना चाहिए 10 बार, तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 5 बार था, दिन 5 बार, तीसरे दिन, ठीक है। क्वेश्चन योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार ब्रह्मज्ञान निम्न के बिना संभव नहीं, किसके बिना संभव नहीं है? पहला ऑप्शन है, 85 नंबर का क्वेश्चन बोल रही हूँ, किसके बिना संभव नहीं है? पहला गुरु के बिना, दूसरा अभ्यास के बिना, तीसरा ज्ञान के बिना, और चौथा उपयुक्त सभी के बिना। गुरु का बिना, गुरु का बिना, इसका आंसर है उपयुक्त सभी के बिना, ज्ञान, गुरु और अभ्यास तीनों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 87, योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार आत्मा है, पहला अमर, दूसरा निराकार, तीसरा स्वयं प्रकाशित, चौथा उपयुक्त सभी। इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता चल गया होगा, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार ब्रह्म है, पहला द्वैत, दूसरा अद्वैत, तीसरा द्वैताद्वैत, चौथा विशिष्ट अद्वैत, ठीक है? इसका आंसर है बी, यानी कि अद्वैत, ब्रह्म जो है वो अद्वैत है, ठीक है? अब हम योग चूड़ामणि उपनिषद के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसके भी कुछ रैंडम क्वेश्चंस देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे उपनिषद है हमारे पास, 8 उपनिषद है। तो पहला क्वेश्चन है 91 नंबर का, योग चूड़ामणि उपनिषद के प्रारंभिक श्लोक में निम्न में से किसकी चर्चा की गई है? पहला षटचक्र की, दूसरा सहस्त्रार की, तीसरा रामचंद्र की, चौथा उपयुक्त सभी। आई थिंक षटचक्र की होनी चाहिए एक्चुअली, मेरे षटचक्र मैम, षटचक्र, षटचक्र, ठीक है, ठीक है। मेरी आवाज रिपीट आने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 कि योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार योग के कितने अंग हैं? 4, 6, 7 या 8? बिल्कुल सही, इसका आंसर है बी, यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है
95 नंबर का योग चूड़ामणि उपनिषद में निम्न की चर्चा है, कौन कौन सी चीजों की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए अजपा जप, ऑप्शन बी गायत्री, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हंस सभी। उपयुक्त सभी की चर्चा है यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग चूड़ा 98 नंबर का योग चूड़ामणि उपनिषद में प्रणव की तुलना किससे की गई है? पूरक से, रेचक से, कुंभक से या सभी से? इजी क्वेश्चन है, आप लोग को समझ आ गया होगा कि इसका आंसर है डी यानी कि उपयुक्त सभी। सभी से। क्वेश्चन नंबर 100, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार नाड़ी शुद्धि हेतु सबसे पहले पूरक करना चाहिए किस नाड़ी से? चंद्र नाड़ी से, सूर्य नाड़ी से, मुख से या कहीं से भी? चंद्र नाड़ी। इसका आंसर है चंद्र नाड़ी। क्वेश्चन नंबर 102, 102 की पूरा कुंभक और रेचक का अनुपात योग चूड़ामणि उपनिषद ने क्या बताया है? 12:16:16। हाँ, सही जवाब क्वेश्चन आंसर है सी यानी कि 12:16:10, 12:16:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार प्राण विद्या है, प्राण विद्या को क्या कहा गया है? पहला पराविद्या, दूसरा अपराविद्या, तीसरा प्राण विद्या, चौथा उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है कि प्राण विद्या को प्राण विद्या ही कहा गया है, सी ही है इसका आंसर। बहुत इजी सा बना दिया उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग चूड़ामणि उपनिषद में निम्न भोजन को त्यागने के निर्देश है, किस प्रकार का भोजन त्यागना चाहिए? पहला है कटु, दूसरा है अम्ल, तीसरा है लवण, चौथा है उपयुक्त सभी। आंसर है उपयुक्त सभी। क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा है, 200 के अप्रोक्स है, तो इतने ज्यादा हो नहीं पाएंगे आज, तो आप लोग बाकी के जो छूट जाए उनको खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर का कि योग चूड़ामणि उपनिषद मानता है इस बंध को 100 बार करने से वृद्ध भी युवा हो जाता है, तो ऐसा कौन सा बंध है? पहला मूल बंध, दूसरा जालंधर बंध, तीसरा उद्यान बंध, चौथा उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर है नहीं, इसका आंसर है मूल बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार खेचरी मुद्रा की समाप्ति होती है, खेचरी मुद्रा समाप्ति होती है, सर खेचरी मुद्रा से क्या समाप्त होता है, क्या फायदा होता है, ये पूछना चाह रहे हैं ये। तो ऑप्शन ए रोग और मरण से मुक्ति मिलती है, ऑप्शन बी निद्रा और क्षुधा से मुक्ति मिलती है, क्वेश्चन नंबर अभी पूछा था मैंने 113, इसका है आंसर डी यानी कि उपयुक्त सभी से मुक्ति मिलती है खेसरी मुद्रा से, ठीक है। नेक्स्ट है 115 यानी 115 कि योग चूड़ामणि उपनिषद में निम्न मुद्रा का वर्णन है, कौन कौन सी मुद्राएं वहां पर बताई गई है? पहला नभो, दृष्टि एवं महामुद्रा, ऑप्शन बी खेसरी और योनि मुद्रा, ऑप्शन सी शक्ति चालिनी मुद्रा। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी यानी कि वहां पर सभी मुद्राओं की चर्चा की गई है, जो यहाँ पर 6 मुद्राएं हैं सभी की चर्चा उसमें है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार प्राणायाम का फल कौन सा है? पहला सुख की प्राप्ति, दूसरा नाड़ी शोधन, तीसरा गगन गति, चौथा उपयुक्त सभी। तो जो इसका प्राणायाम का जो फल बताया है वो है आंसर डी यानी कि उपयुक्त सभी। हाँ, यहाँ पर फिर योग चूड़ामणि उपनिषद में पूरा कुंभक और रेचक का अनुपात पूछा है, क्वेश्चन नंबर 119। तो स्क्रीन पर आप आंसर ऑप्शंस देखिए, 12:16:10 नहीं, योग चूड़ामणि उपनिषद में 10, हाँ सॉरी 12:16:10 ही है, सही जवाब है आंसर सी। सही है।
क्वेश्चन नंबर 121, प्राणायाम की तुलना किससे की गई है? शिव से, ओमकार से, दुर्गा से, विष्णु से? तो आंसर है इसका ओमकार। हर जगह लगभग जो प्राणायाम की तुलना है वो ओमकार से ही मिलेगी, चाहे आप योग चूड़ामणि उपनिषद देखिए, चाहे योग कुंडलिनी देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 124 की प्राणायाम से कौन से रोग दूर होते हैं? तो आंसर ए, ऑप्शन ए है हिक्का, खांसी और श्वास रोग। ऑप्शन बी सिर एवं कान का दर्द। हाँ, उपयुक्त सभी, अधिकतर ऐसे आंसर्स का उपयुक्त सभी होता है, लेकिन हर बार नहीं होता, तो थोड़ा ध्यान से लगाना है। मैम मैं लेकिन इसमें सभी रोग बोल रहा है, फिर उपयुक्त सभी बोल रहा है। इसमें सभी रोग भी बोल रहा है, ऑप्शन है और वो भी है कि उपयुक्त सभी। एक्चुअली ये जो बुक लिखी है उसमें उतना कॉन्शियस होके लिखी नहीं है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो बहुत सावधानी से बनता है, तो उसमें ऐसे गड़बड़ी वाला वो नहीं होगा, है ना। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपको वहां पर मिलेंगे। बुक लिखते टाइम थोड़ा मिस्टेक्स हो जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा क्वेश्चन पूछा मैंने, 124th ना, इसका ऑप्शन है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। वो सी और डी एक जैसे लिख दिए उन्होंने। हाँ, तो ये क्या प्राणायाम से कान दर्द कहाँ दूर होता है? सिर एवं कान दर्द लिखा होगा बुक में, आप एक बार बुक में चेक करिए, किसी ने किसी प्राणायाम का लाभ उसमें बताया होगा। मैम प्राणायाम से सभी रोग दूर होते हैं ऐसे? हाँ, जैसे सभी होते तो वो भी आ ही जाएंगे, लेकिन किसी ने किसी प्राणायाम में वो भी लिखा ही होगा, इंडिविजुअल भी लिखा होगा। भ्रामरी प्राणायाम में कान के रोग दूर होते हैं, भ्रामरी प्राणायाम से। ठीक है, अगला उपनिषद हम लोग शुरू कर रहे हैं, योग तत्व उपनिषद। तो उसका पहला क्वेश्चन है 128 की, योग तत्व उपनिषद में निम्न योग पद्धति की चर्चा है। कौन कौन सी योग पद्धति की चर्चा है? पहला है मंत्र, दूसरा है लय, तीसरा है हठ और राज, और चौथा है सभी। इजी है क्योंकि इसका सिलेबस में ही है उपयुक्त सभी। 29th भी इजी है, हठ योग की कौन कौन सी अवस्थाएं बताई गई है, आप लोग पता होगा कि चारों अवस्थाएं बताई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 पर आ जाइए कि योग तत्व उपनिषद के अनुसार मात्रकादि मंत्र जप से प्राप्ति होती है किसकी? अनिमादि सिद्धियों की, ऑप्शन बी योग की, तीसरा ज्ञान की, और चौथा सभी की। अनिमादि, उपयुक्त सभी की, योग तत्व उपनिषद में सभी है। ओके, 133 पर आइए, योग तत्व उपनिषद के अनुसार लय योग की प्रक्रिया है, पहला देह लय, दूसरा चित्त लय, तीसरा जीव लय, और चौथा विलय। चित्त लय बी। हाँ, इसका आंसर है बी, यानी कि चित्त लय। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, योग तत्व उपनिषद में शरीर के निम्न स्थान पर ध्यान करने का निर्देश दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस भी थोड़े सिस्टमैटिक नहीं लिखे हैं यहाँ पर। योग तत्व उपनिषद में शरीर के निम्न स्थान पर ध्यान करने का निर्देश दिया गया है, पहला भूमध्य, दूसरा हृदय प्रदेश, तीसरा कंठ प्रदेश, चौथा कटी प्रदेश। शायद कुछ, हाँ, इसका आंसर है भूमध्य, ऑप्शन ए। 137th नंबर के क्वेश्चन पर आइए, योग तत्व उपनिषद में समाधि को कहा गया है, पहला समता अवस्था, दूसरा ज्ञान अवस्था, तीसरा विज्ञान अवस्था, और चौथा विलय अवस्था। क्षमता, इसका आंसर है समता अवस्था, यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 141 की, योग तत्व उपनिषद में किसके बारे में निर्देश दिया गया है, पहला सिद्धांत श्रवण के, दूसरा दीर्घ प्रणव अनुसंधान के, तीसरा तत्व ज्ञान के, चौथा उपयुक्त सभी। समझ आ रहा होगा, इसका आंसर है उपयुक्त सभी, सब, हाँ, सभी के यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, योग तत्व उपनिषद के अनुसार मुख्य यम कौन कौन से है, पहला है आलस्य और कथन, दूसरा है धूर्त गोष्ठी एवं लौल्य, तीसरा है स्त्री संग धातु एवं मृग तृष्णा, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो जो यम के प्रकार है वो यहाँ पर उपयुक्त सभी है। कुछ गड़बड़ हुई है क्या इस क्वेश्चन में? एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा ये क्वेश्चन, यम यही बताया है,
आप लोग अभी कंटिन्यू में हो, थोड़ा आपको लोग को ज्यादा पता होगा इस बारे में, क्योंकि यम इस प्रकार के नहीं बताए हैं किसी भी उपनिषद में, इस प्रकार के नहीं है मैम, इसमें 10 यम बताए गए हैं ना। हाँ, ये ऑप्शन सारे मिस्टेक्स हो गई है इसमें, ये ऑप्शन नहीं है और कुछ यम है। ठीक है, तो ऐसे यम के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है, लेकिन जो रियल वाले आंसर है वो इसमें दिए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि 10 यम कौन कौन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, योग तत्व उपनिषद के अनुसार प्राणायाम हेतु उक्त आसन है, कौन से आसन में हमें प्राणायाम करना चाहिए। पहला है पद्मासन, दूसरा है सिंहासन, तीसरा है सिद्धासन, चौथा है भद्रासन। पद्मासन इजी है क्वेश्चन नंबर, पद्मासन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150, योग तत्व उपनिषद के अनुसार प्राणायाम हेतु होना चाहिए, पहला ऋतु का है, दूसरा सम का है, तीसरा शिथिल का है। आंसर है सम का है, सही है। क्वेश्चन नंबर 154, योग तत्व उपनिषद के अनुसार प्राणायाम के अंतर्गत नए अभ्यासी को कुंभक करना चाहिए, कितना, किस मात्रा में कुंभक करना चाहिए पूछना चाह रहे हैं। ऑप्शन है पूरक के बराबर, ऑप्शन बी यथाशक्ति, ऑप्शन सी पूरक का 2 गुना, ऑप्शन डी पूरक का 4 गुना। यहाँ पे पूरक और कुंभक का रेशो पूछा है। ठीक है, नए अभ्यासी को ए आएगा मैम, नए अभ्यासी को भी 19:2 जी। इसका आंसर है पूरक का 4 गुना, यानी कि 1:2 का रेशो हमें मेंटेन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तो नए अभ्यासी को तो नहीं कर सकेगा ना, नहीं अभ्यास करने की बात कर रहे हैं। 4 गुना फाइनल है ना मैडम? हाँ, 4 गुना फाइनल है। इसका आंसर है पूरक का 4 गुना है, शुरू में ही 4 गुना थी। नहीं कुंभक का रेशो वही चलेगा हर जगह 1:2 का मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 156 नंबर का, योग तत्व उपनिषद के अनुसार साधक नियम से प्राणायाम करे तो नाड़ी शुद्धि कितने माह में होती है। ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, 3 माह। ठीक है, 3 माह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 160 नंबर का सरल है, योग तत्व उपनिषद के अनुसार साधक को भोजन करना चाहिए, पहला शाकाहार, दूसरा क्षीर युक्त, तीसरा सात्विक, चौथा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, शाकाहार भी, क्षीर युक्त भी, सात्विक भी। राजसिक भोजन किसे माना गया है, 161 नंबर का क्वेश्चन, योग तत्व उपनिषद में साधक हेतु राजसी भोजन माना गया है, कैसा माना गया है राजसी भोजन को, पहला वर्जित माना गया है, दूसरा राजसी भोजन को उपयुक्त माना गया है, तीसरा राजसी भोजन को आवश्यक माना गया है, या कोई नहीं। वर्जित कहा गया है क्योंकि हमें सात्विक भोजन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है योग तत्व 164 नंबर का, योग तत्व उपनिषद के अनुसार निरंतर केवल कुंभक से अविलंब सिद्ध होता है, केवल कुंभक करने से क्या सिद्ध होगा, पहला प्राणायाम, दूसरा ध्यान, तीसरा समाधि और चौथा है उपयुक्त कोई नहीं। प्राणायाम से सिद्ध होगा प्रत्याहार। यहाँ पूछा है केवल कुंभक से क्या सिद्ध होगा, तो आंसर है प्रत्याहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, योग सिद्धि होने के प्रारंभिक लक्षण कौन कौन से है, सुदूरगमन, वाक सिद्धि और उपयुक्त सभी। सुदूरगमन, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला उपनिषद, हाँ अगला उपनिषद शुरू कर रहे हैं, ध्यान बिंदु उपनिषद, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, शायद टाइम हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, ध्यान बिंदु उपनिषद का जो वर्णित विषय है वो सिंपल सा है कि ध्यान योग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 170, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार बीजाक्षर है, ओमकार बीजाक्षर है, न्याद है, बिंदु है या ध्यान है? ओमकार। इसका आंसर है ओमकार, यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 171, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद जब अक्षर में लीन होने की स्थिति होती है तो कौन सी समाधि होती है? पहला सविकल्प समाधि, दूसरा परमपद समाधि, तीसरा सबीज समाधि, चौथा निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प। नहीं, इसका आंसर है एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 171, इसका आंसर है बी, यानी कि परमपद। ठीक, इसका आंसर है परमपद। क्वेश्चन नंबर 172, अनाहत ध्वनि में अनाहत शब्द का क्या अर्थ होता है? पहला आघात किए बिना, दूसरा आवाज किए बिना, तीसरा जोड़े बिना, चौथा बिना मर्म के। ए। हाँ, इसका आंसर है ए, यानी कि आघात किए बिना, बिना किसी के टकराए। क्वेश्चन नंबर 174, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्रणव के अ अंश में लय होता है किसका? ठीक है, अ अंश में कौन लय होता है? पहला पृथ्वी एवं अग्नि, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा भूर्लोक एवं पितामह ब्रह्म, और चौथा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। हाँ, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। इसका आपने चार्ट बना लिया होगा अउमा के साथ, सारी जो वेद है, सारी जो लोक है, देवता है, इसका चार्ट बना लीजिए, कुछ भी क्वेश्चंस बन सकता है। यहाँ पे उपयुक्त सभी करके इजी फॉर्म में बना दिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 74, 75 एंड 76 है, तीनों एक जैसे है, तीनों का आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी है, लेकिन आपको सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 177, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार मुमुक्षु का ध्येय होता है, पहला ओमकार, दूसरा अमर होना, तीसरा मृत्यु, और चौथा है दीर्घायु होना। तो इसका आंसर है ओमकार। ध्यान बिंदु उपनिषद में मुमुक्षु का ध्येय है ओमकार। यहाँ पर आपको तुलना भी मिलेगी धनुष से। ठीक है, 178 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार वह ब्राह्मण नहीं है जो, यानी ब्राह्मण कौन नहीं है? पहला जो टीका नहीं लगाता, दूसरा जो मंदिर नहीं जाता, तीसरा जो ओमकार को नहीं जानता, चौथा उपयुक्त सभी। इसका आंसर है सी, यानी कि जो ओमकार को नहीं जानता वो ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार सही युग्म नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पेयर वाले, मेज द कॉलम वाले, तो इनको आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पहला है ब्रह्म को लक्ष्य कहा है, दूसरा आत्मा को बाण कहा है, धनुष को ओमकार कहा है, और उपयुक्त कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही नहीं है? कोई नहीं। इसका आंसर है उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है, इसमें सही युग्म कौन सा है भी पूछ सकते हैं और कौन सा नहीं भी है। तो जो इस प्रकार के क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है कि सही है पूछा है या सही नहीं है पूछा है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसका, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार सभी देव किससे उत्पन्न हुए है? जल से, अग्नि से, ओंकार से या आकाश से? तो ओंकार। हाँ, इसका आंसर है ओंकार। टाइम हो गया क्या? भेज दूंगी आप लोग को, तो आंसर भी आप लोग को पता चल जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, ऑल द बेस्ट सभी को। Thank you, ma'am. Thank you. Recording stopped. ठीक है, आप लोग लीव हो सकते हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। बहुत ही धन्यवाद नम्रता जी का। मैम सर होगा ना क्लास? सेकंड क्लास होगी। किसी से भी क्लास होगी। ओके। कल आप लोग की फोर्थ यूनिट होगी, योग दर्शन तैयार करके आइएगा। अच्छा,
फर्स्ट पेपर का